हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की मेरी ये वीडियो मेडिकल एब्रिवेशन पे है जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स और पेशेंट दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आरएक्स। आरएक्स मतलब ट्रीटमेंट, यानी कि जो भी डॉक्टर हमारी डिजीज से रिलेटेड हमारा ट्रीटमेंट करता है वो। एचएक्स यानी हिस्ट्री, यानी कि जो भी पेशेंट को पहले प्रॉब्लम रह चुकी है। डीएक्स यानी डायग्नोसिस, जो डॉक्टर डायग्नोस करेगा। क्यू डी एवरी डे, यानी जो भी डॉक्टर हमें मेडिसिन रिकमेंड करेगा एवरी डे लेनी है। क्यू ओ डी एवरी अदर डे, यानी हर एक दिन के बाद। क्यू एच एवरी आर, हर घंटे के बाद। एस विदाउट एम्प्टी स्टमक और नॉट। डबल एस वन एंड हाफ। सी विद। SOS if needed, यानी कि अगर आपको बुखार या फ्लू है, आपकी नीड पे बेस करता है कि आपको फ्लू है, आपको बुखार है, उस बेस पे आपने अपनी मेडिसिन लेनी है इफ़ नीडिड। AC बिफोर मील, खाने से पहले। ओके। PC आफ्टर मील, यानी खाने के बाद। BID ट्वाइस अ डे, दिन में दो मरतबा। TID थ्राइस अ डे, दिन में तीन मरतबा। QID फोर टाइम्स अ डे, यानी दिन में चार मरतबा। OD वंस अ डे, यानी जो भी आपको डॉक्टर ने मेडिसिन रिकमेंड किया दिन में एक मरतबा लेनी है। HS बेड टाइम, यानी सोने जाने से पहले। BBF बिफोर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से पहले। BD बिफोर डिनर, डिनर से पहले। IX इंडिकेशंस, इंडिकेशंस वो जो कि मेडिसिन लेने के बाद जो हमारी या फिर जो हमारी मेडिसिन है वो किस तरह से हमें हेल्प आउट कर सकती है, वो ये इसकी इंडिकेशंस में आता है। CX कॉम्प्लिकेशन, यानी कि ट्रीटमेंट हम कोई कर रहे हैं उसके बाद हमारी कोई कॉम्प्लिकेशन आती हैं। BP ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड का प्रेशर। C सेल्सियस सेंटीग्रेड टेम्परेचर को शो कर रहा है। CAL कैलोरीज को शो कर रहा है। D डे, यानी दिन में। DC डिसकंटिन्यू, यानी कि अगर कोई मेडिसिन है जो कि आपको इरिटेशन कॉज कर रही है, प्रॉब्लम कॉज कर रही है, तो उसे आप डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं बाय एडवाइस ऑफ फिजिशियन। DC डिस्चार्ज। DM डायबिटिस मेलिटस, यानी कि डायबिटिस यानी कि शुगर। DT ड्यू टू, यानी की वजह से, यानी किस वजह से आपको ये मेडिसिन रिकमेंड की गई है। TW ट्वाइस अ वीक, यानी वीक में दो मरतबा। SQ सबक्यूटेनियस, यानी कि यह बात हो रही इंजेक्शन की, यानी कि इंजेक्शन इंजेक्ट करना स्किन पे। IM इंट्रामस्कुलर, यानी कि मसल्स में इंजेक्शन को इंजेक्ट करना। ID इंट्राडर्मल, यानी स्किन की जो लेयर है डर्मिस उस पर इंजेक्शन इंजेक्ट करना। IV इंट्रावेनस, वेन्स पे इंजेक्शन को इंजेक्ट करना। QAH एवरी फोर आवर, यानी हर चार घंटे के बाद। PMHX पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि जो भी पेशेंट है उसकी पहले मेडिकल हिस्ट्री क्या रह चुकी हुई है, यानी कि उसका सारा कुछ, कि वो स्मोकर है, नॉन स्मोकर है, अल्कोहल कंजप्ट करता है या नहीं करता है, उसकी इससे पहले कोई डिजीज उसे रह चुका है या नहीं रह चुका है। ED एमरजेंसी डिपार्टमेंट को कहते हैं। FH फैमिली हिस्ट्री, अब किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी फैमिली हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि उसके पेरेंट्स को पहले ये इशू था या उसकी फैमिली में से किसी को भी, उसके ग्रैंडफादर मदर या उसके सिबलिंग्स में किसी को पहले ये इशू रह चुका है। FU फॉलो अप, यानी कि फॉलो अप लेते रहना, जो भी पेशेंट है उसका बैकअप लेना कि अब उसकी प्रोग्रेस कैसी है। HA हेडेक, यानी सर दर्द। HB हेमोग्लोबिन, यानी कि खून की बात हो रही है, हमारे खून में हेमोग्लोबिन की बात हो रही है। HR हार्ट रेट। HBP हाई ब्लड प्रेशर और HTN हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन और HBP सेम है, यानी नॉर्मल से ब्लड का प्रेशर हाई हो जाना। Q3H एवरी 3 आवर्स, यानी हर 3 घंटे के बाद। QAM ईच मॉर्निंग, हर सुबह। QPM ईच इवनिंग, यानी कि हर शाम को। थैंक यू सो मच।